हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज आपको अच्छे से क्लियर आ रही होगी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्लास करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, आपके व्यापम परीक्षा में पूछा गया है। टोटल हम यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में आपका कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है, अन्यथा आपका OMRC चेक नहीं किया जाएगा। तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे और डेली करेंगे, ठीक है। आपका पार्ट वन वीडियो है। अगर आज हम अगर 30 दिन कर लेते हैं, 30 दिन 30 क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन हो जाता है आपका? 900 क्वेश्चन। अगर 900 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको एग्जाम क्लियर कराने का, ठीक है। 50 में आपका 40 नंबर कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, इतना नंबर 40 नंबर कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो डेली क्लास लेकर आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, और मेंबरशिप में अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए। तो पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि कौन सा मान्य वीडियो रिजोल्यूशन इनवैलिड वीडियो रिजोल्यूशन को वीडियो को संकल्प करता है? तो ऑप्शन कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर कौन सा होगा जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आपको क्लियर आ रही मेरी इमेज, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो डेली हम क्लास करेंगे जी। हॉस्टल वार्डन हो गए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती हो गया है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन में भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे पूरा विगत वर्षों का होगा जी। मैं डेली क्लास लेकर आऊंगा, 1 महीने की क्लासेस रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगा, यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा रिकॉर्डेड क्लास। चाहे तो आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हो तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत को जाया ना करते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड इसका आंसर क्या हो। चलिए इसका आंसर होगा जी आपका 800 से 680, ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सॉफ्टवेयर शब्द, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है आपका, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो सॉफ्टवेयर जो शब्द होता है इसका प्रथम सबसे पहले किसने किया है? इसका आंसर ए, डेनिस रिचे, ऑप्शन बी, विंस्टन टूरके, या ऑप्शन सी, रोनाल्ड टूरके, या ऑप्शन डी, जॉन विन टूरके। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर डी होगा, जॉन विन टूरके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिएगा मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 1 मिनट ना थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पूरा आपका यहाँ पर पूरा PDF आपको दिखाई दे रहा है, पूरा कंप्यूटर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, विगत वर्षों से बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से, इसका आंसर क्या होगा? तो खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। मैंने आपको क्या कहा था, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कितने जी, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पूरा, जितने भी व्यापम रहता है ना, जितने भी व्यापम लिया है या PSC लिया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा जी बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कौन सा है, भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद यानी कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, आप सभी को मालूम है किसको? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, मशीन। देखिए सभी के सभी लोग कमेंट करके बताना स्टार्ट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा, मशीन। क्या होगा जी, मशीन। मशीन जो है उसको अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ट्रांसलेटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, स्वचालित अनुक्रम में नियंत्रित कैलकुलेटर यानी कि ASCC यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? इसको मार्क 1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्क 1। ये इस प्रकार या इंग्लिश में भी आएगा या इस प्रकार हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। और देखिए मैं फंक्शन के बारे में बात करूं तो फंक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मैं टॉपिक बता देता हूं कि किस प्रकार के फंक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए रैम यानी कि क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर में पंखा से जुड़ा होता है, पंखा मतलब फैन, तो किससे जुड़ा होता है जी ये पंखा, किससे जुड़ा होता है? आंसर क्या होगा,
आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सीपीयू से जुड़ा होता है, सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब फुल फॉर्म में इंतजाम में पूछा जाता है जी, तो फुल फॉर्म रैम का क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आज इसको छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसी पे अगर रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगर मेरा चैनल अगर आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी आपके एग्जाम में 2019 और 2017 के क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया था। और ये हाल ही में अभी ये जो छत्तीसगढ़ वन सेवा का जो एग्जाम हुआ था, वन संयुक्त तो भर्ती का, उसमें भी एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एक बेलनाकार ड्रम में, यानी कि साइक्लिक ड्रम में होता है, जिसे फोटोग्राफर यानी कि तस्वीरग्राही कहा जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये स्पीकर वाला जो कि संविधान से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो मैं उसका बताना चाहूंगा, एक बार आप समझिएगा, ठीक है, कि जैसे वहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक मिनट ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। इसको इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सभी को स्पीकर के बारे में बताना चाहूंगा, जो मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको शपथ लेना नहीं पड़ता। वो कौन है स्पीकर? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्पीकर मतलब शपथ नहीं लेना पड़ता, जबकि विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर के रूप में बतौर तब में, ठीक है, बतौर तब में विधानसभा के सदस्य के रूप में उसको शपथ लेना पड़ता है। जबकि शपथ ऐसे लोग लेते हैं, दो मंत्री मतलब शपथ दो व्यक्ति लेंगे, दो व्यक्ति के मतलब कहने का तात्पर्य है कि दो दो बार किसको शपथ ग्रहण करना होता है, तो दो बार आपको मंत्री को शपथ करना पड़ता है। एक तो बतौर अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव शाह जी, ये तो बतौर उसको लिए हैं। जब विधानसभा का जो सत्र प्रारंभ होगा, जब विधानसभा का क्या प्रारंभ होगा, सत्र प्रारंभ होगा, तो उसको प्रोटेम स्पीकर फिर से एक बार शपथ दिलाएंगे। तो दो बार शपथ कौन लेता है जी, मंत्री, और एक बार स्पीकर लेता है, ठीक है, लेकिन विधानसभा सदस्य के बतौर के रूप में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी? चलिए, अब पूछा गया बेलनाकार ड्रम, तो इसका आ जाएगा लेजर प्रिंटर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, लेजर प्रिंटर जो किससे संबंधित है, जो लेजर प्रिंटर होता है उसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है जी, पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। अभी स्कैनर कौन सा डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो आज रात 7:30 बजे हम आज रात 7:30 बजे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से क्लास लेकर आएंगे जी, रात 7:30 बजे, ठीक है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना। गोल्फ बॉल प्रिंटर होता क्या है जी, तो गोल्फ बॉल प्रिंटर का मतलब होता है प्रिंट। तो क्या आ जाएगा जी, गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या होता है, डेजिबल प्रिंटर होता है। प्रिंटर से भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन आज रात 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी जी, पीएम, यानी कि रात को 7:30 बजे लाइव क्लास होगी कंप्यूटर का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने कॉल थ्योरी के टाइप के बताया था, आप वहां पर एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। और कल हमारी क्लास रहेगी आपका प्रिंटर से, याद रख लेना जी, प्रिंटर से क्वेश्चन रहेगा। प्रिंटर से एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बहुत सारे मल्टीमीडिया वगैरह क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है। कौन सा एक युग्म मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा युग्म है जो मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर होगा जी, पहला MY, MySQL, SQL, ठीक है, MySQL होगा जी इसका आंसर। कौन सा विंडोज 7 यानी कि विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण नहीं है पूछा गया, मतलब वर्जन नहीं है इसका, तो इसका कौन सा वर्जन नहीं है, तो आंसर सी, मैक्सिमम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूट करने पर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको मैं क्लास ले रहा हूँ, जिसमें स्क्रीन में है ना एक टीवी चल रहा है मेरा, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर में आप सभी के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्ड अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें क्या पूछा गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा क्या ज्यादा भी क्लासेस चल रहा है, जिसमें हम क्या कर कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो कंप्यूटर से हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं और इसमें हम बूट करते हैं, तो स्क्रीन क्या प्रदर्शित करता है, लॉगिन क्या करता है, डेस्कटॉप, क्या है, डेस्कटॉप। तो इसका आंसर दिया हुआ जी बिल्कुल सी, ठीक है। एमएस वर्ड में सॉफ्टवेयर A for 12, देखिए अब यहां से फंक्शन से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सीजी व्यापम के और पीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो नोट करते चलेंगे, यहां पर मैं आपको फंक्शन बता दे रहा हूँ कि
F12, ज्यादा से ज्यादा F12, F7, F5, F2, F4 है ना। और ये आपका जाएगा F12 किसके लिए, सेव एस डायल के लिए, सेव के लिए, सेव अस के लिए किया जाता है। जबकि F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है, स्पेलिंग को क्या करेंगे चेक। अरे भाई तो स्लाइड शो के लिए। F2 क्या करे, नई प्रक्रिया का बनना, फाइल फोल्डर है ना। और F ये क्या होता है, F8, ये से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो F12 क्या आएगा, ये डायरेक्ट दिया है सेव अस। एमएस वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर में एक पेज की सेटिंग करने के लिए क्या करते हैं जी, कौन सा मार्जिन प्रदान करते हैं। जब पेज को सेटिंग करेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे ले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इधर बाएं, फिर इसके बाद दाएं। ठीक है जी, मेरा गला सूख रहा है, पानी पीना था। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद पानी पी लूँगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे बाएं दाएं आ जाएगा। 14 है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपका जाएगा 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका मॉडेम, आंसर ए। सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, अब सर्च इंजन के किसके करते हैं, विंडोज के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है इंटरनेट से, इंटरनेट में शामिल करने के लिए क्या जुड़ा होता है, IBM, IIS, ISP या कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर सी होगा, IIS। कंप्यूटर कंप्यूटर और प्रोग्राम सामान्यतः किसमें छुपा होता है, किसमें छुपा होता है, कंप्यूटर वायरस किसमें छुपा होता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, दोनों में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद, अगर एक बार सॉफ्टवेयर में जम जाता है उसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर अपने के द्वारा विजिट साइट को टॉपिक से संबंधित विज्ञापन एड्स को भेजता है, क्या होगा। बैकडोर, बैक डोर कहते हैं उसको। ऑप्शन दें, फर्स्ट आमतौर पर गुप्त यानी कि ट्राइसिकली कन्वर्टी को कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करते हैं, जब इसका उपयोग व्यक्ति करते हैं अनजान होता है तो नखर रखा जाता है, किसके लिए आ जाएगा। की लॉगिंग, इमेज का छोटा रूप, जो इमेज होता है उसका छोटा रूप को क्या कहते हैं, बिट मैप या थंबनेल या प्रोटोबॉल या क्लिप आर्ट, क्या कहते हैं। इमेज पूछ रहा है जी, इमेज जब यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं तो थंबनेल क्या करते हैं, थंबनेल तो ही अपलोड करेंगे। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप किसके लिए आएगा, डी। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने के लिए करना आवश्यकता है, क्या नाम, डिजिटेट, डी। एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है और पुनः उप विभाजित सब डिवाइडेड होता है, सेक्टर कौन सा अलग है, कौन सा अलग ऐड है, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एचडी और बायो। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना जी। सीडी में एग्जाम पूछा जाता है 700 MB का लेयर होता है, डीवीडी का आपका आ जाएगा 4.7 GB, ब्लूरे डिस्क का 25 GB, एचडीवी 6 TB, फ्लॉपी डिस्क का क्या होता है, फ्लॉपी में क्या होता है, सेक्टर होता है, सर्कल होता है। ठीक, सीडी
सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्निंग। गूगल का पेटीएम प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो जो गूगल होता है उसका पेटीएम प्रोसेसिंग सिस्टम होता है कौन सा होगा? कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण है मोजिला फायरफॉक्स। कैटिंग के उपयोग होने वाला इंसर्ट मिनेसर कौन सा है? इंसर्ट मैसेंजर कौन सा है? गूगल ड्राइव। लास्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड के बीच बाधा उत्पन्न करता है, कौन सा बाधा उत्पन्न करता है जी? फायरवॉल। ऑप्शन ए। तो टोटल हमने 30 एमसीक्यू किए हैं। कितने एमसीक्यू किए हैं? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं जी। तो कंप्यूटर का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहिएगा। लाइव क्लास के बारे में बात करें, लाइव क्लास 7:30 बजे लिया जाता है जी। लाइव क्लास 7:30 बजे लिया जाता है, ठीक है? समझ आया? साढ़े 7 बजे लिया जाता है जी, ठीक है? आप लोग सही टाइमिंग पर आ जाइएगा, है ना? अगर कंप्यूटर का अगर हॉस्टल वाला तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 50 नंबर में आप डेली कीजिएगा। 30 क्वेश्चन 30 महीने का क्या आ जाएगा जी? 900 क्वेश्चन, ठीक है? तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन करेंगे और गणित का भी क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाइएगा, ठीक है? गणित या क्वेश्चन की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर आ जाइएगा, गणित के हम क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है? फिलहाल इतना ही।